सो हेलो एंड वेलकम बैक टू हमारा रेड गाइस। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ बैकग्राउंड इरेज का फोटो मतलब बैकग्राउंड इरेज पे वीडियो लेकर आया हूँ गाइस। तो बैकग्राउंड इरेज पिक्सआर्ट से आप कैसे कर सकते हैं फुल HD में। सो गाइस चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं हमेशा की तरह यही बोलूँगा, जो भी बंदे मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि गाइस इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मिलता कुछ भी नहीं मिलता। तो गाइस लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है गाइस। गाइस इसमें मैं दो स्टेप आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। तो गाइस सबसे चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला स्टेप है, हम ये जो आप लोगों को दिख रहा है कट वाले टूल पर आएंगे एंड यहाँ से गाइस हम अपने मॉडल को पूरा ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ से सेलेक्ट हो चुका है गाइज। एंड यहाँ से इतना करने के बाद ये जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे देखिए अपने आप ये बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा ये। एंड गाइज जहाँ जहाँ रह गया है मतलब जहाँ जहाँ छूट गया है एंड जहाँ जहाँ जा मतलब हो गया है मतलब आप लोगों को रिमूव करना है, तो इस वाले इरेजर पे आके एंड यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज एक तो स्टेप ये रह गया है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं ये ऐसे। तो गाइज मैं अच्छे से अभी तो नहीं किया हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो गाइज आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। गाइज अगर बैकग्राउंड इरेज करने में अगर एक्सपर्ट रहेंगे तो गाइज फोटो एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइज फोटो का जो बैकग्राउंड है बस वही कट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और उसी वही गाइज हमारे बैकग्राउंड को वही अच्छा लुक देती है अगर फोटो अगर अच्छा खासा इरेज हुआ रहे तो। तो गाइज ये हो चुका है एंड यहाँ से हम सिंपली कर देंगे सेव। तो देखिए गाइज कितना गजब का हमारा हो चुका होगा। तो गाइज देखिए हमारा ये हो चुका है, बट गाइज इसमें जो ये साइड में रह गए हैं ये बस यही थोड़ा दिक्कत करते हैं, बट इसे भी हम कर सकते हैं अपना रिमूव। तो गाइज इसके लिए अब बहुत तामझाम करना पड़ेगा, बट गाइज इससे भी एक सिंपल सा स्टेप है तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो गाइज ये एक हो चुका है, अगर आप लोगों को ऐसे करके अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर ये वाले टूल से सेव करेंगे तो गाइज आप लोगों का मतलब इरेज मतलब बैकग्राउंड इरेज का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसे ही सेव हो जाएगा। तो गाइज यहाँ से आप जाइएगा ड्रॉ टूल पर एंड ड्रॉ टूल से यहाँ से सेव करिएगा, तब आपका ये बैकग्राउंड PNG में सेव होगा। सो गाइज यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। एंड गाइज इतना करने के बाद मैं इसे पैक कर लेता हूँ पहले जैसे। एंड गाइज अब आते हैं बारी हमारे सेकंड स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। तो गाइज सेकंड स्टेप ये है कि अब हम चलेंगे अपने ड्रॉ वाले टूल पे। एंड ड्रॉ वाले टूल पे जाने के बाद इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने लेयर को क्लिक कर लेंगे, अपने मतलब जो फोटो है उसको मतलब क्लिक कर लेंगे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। एंड इतना करने के बाद हम इस वाले को फिर से एक बार क्लिक कर देंगे तो ये वापस वैसी हो जाएगा। एंड इतना करने के बाद गाइज हम इरेजर पे आ जाएंगे एंड इरेजर पे यहाँ से हम अपना सेटिंग बना लेंगे। तो गाइज आप लोग भी अपना सेटिंग बना लीजिएगा। तो गाइज मैं अपना सेटिंग बना लिया हूँ एंड यहाँ से हार्डनेस आप फुल हार्डनेस थोड़ा कम रखिएगा गाइज 95 के आसपास। एंड यहाँ से अपना साइज मिला लीजिएगा। तो गाइज मैं इतना ही साइज रखता हूँ एंड यहाँ से सेट कर लेता हूँ। एंड गाइज इसे हम ऐसे जूम कर लेंगे एंड इसको ऐसे चला देंगे। तो देखिए गाइज कितना अच्छा हो रहा है हमारा। तो गाइज अगर आप ड्रॉ वाले टूल से करते हैं तो आपका जो फोटो है वो बिल्कुल HD में एकदम रिमूव होगा। तो गाइज आप लोग कर लीजिएगा यहीं से। तो गाइज यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा ये, यहाँ से ऐसे इरेज। गाइज जितना अच्छे से अगर आप लोग इरेज करेंगे अपना फ़ोटो तो उतना ही अच्छा मतलब आप लोगों को देखने में भी लगेगा, और किसी बैकग्राउंड पे लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। गाइज तब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। गाइज मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता और आप लोगों को भी गाइज वीडियो लंबा पसंद नहीं है। तो गाइज मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा बता दूंगा तो आप लोग मतलब इतना आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। तो गाइज तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी बंदे नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो चलिए गाइज मैं इसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ।
गाइस जो हमारा बैकग्राउंड है वो हो चुका है फुल्ली इरेज। तो गाइस देखिए, तो गाइस जो हमारा वाइट वाइट इधर सॉरी कॉर्नर पे रह गया है, ये वाइट वाइट हमारे कॉर्नर पे रह गया है, इसको मैं सिंपली से रिमूव कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको तो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ सॉरी, क्योंकि गाइस इतना अंदर तक तो इतना जूमिंग का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, और उधर करूँगा तो मतलब पूरा वो बिगड़ जाएगा। तो गाइस अगर एक और है जो गाइस इसने मतलब एक एप्लीकेशन है गाइस, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से गाइस आप लोग इसे मतलब अगर वहां से अगर आप लोग करते हैं बैकग्राउंड इरेज, तो यहां से भी कहीं से भी मतलब आप कितने भी छोटे से छोटे जगह से बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो गाइस मैं तो ज़्यादातर वही चीज़ वही एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, बट आप लोगों को मैं समझाने के लिए पिक्सआर्ट पे चाहिए था ना, तो इसलिए मैं पिक्सआर्ट पे ले आया हूँ। तो गाइस इसे हम ऐसे करके रख देंगे। एंड गाइस इतना करने के बाद देखिए, जो हमारा बैकग्राउंड है फुल्ली इरेज हो चुका है। एंड गाइस इतना करने के बाद हम सिंपली डन ऑन तो करना नहीं है गाइस, एंड यहाँ से डायरेक्ट गाइस ये देखिए थ्री डॉट पे जाएंगे, एंड यहाँ से कर देंगे सेव इमेज। तो गाइस मैं कर देता हूँ यहाँ से सेव इमेज, तो गाइस ये जो है हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड गाइस चैनल पर जो भी बंदे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। We'll be right back.